हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी। आई एम फरहा खान एंड टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टॉपिक फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स लाइक सी टैट, यू पी टैट, सुपर टैट एंड अदर स्टेट लेवल टीचिंग एग्जाम्स। सो हम जो है आज यहाँ पे CDP का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम जो है ये देख लेते हैं कि आपका जो CTET का एग्ज़ाम है उसमें CDP से और बाकी सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो CDP है इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30-30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स में, इंग्लिश में और EVS में आते हैं और हिंदी में। इन सभी में ही आपके क्या है 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन सभी सेक्शन में 30 में से जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपके CDP से पूछे जाते हैं। ठीक, तो CTET के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो CDP है वो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको डिस्कस करना और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये कब दिया था इन्होंने? 1936 में। इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। जीन प्याजे क्या है? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट का मतलब है ज्ञान पद्धति शास्त्र। इनका जन्म जो था वो 1896 में हुआ था और 1980 में इनकी डेथ हो गई थी जो कि स्विट्जरलैंड में हुई थी। इनको नेचुरल साइंसेस में शुरुआत से ही बहुत इंटरेस्ट था, यानी कि इन्हें प्रकृति के बारे में पढ़ना हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता था और इन्होंने नेचुरल साइंसेस की स्टडी जारी रखी और 1918 में जूलॉजी से अपनी PhD कंप्लीट की। इनकी जो शुरुआती रिसर्च है वो इन्होंने पिने के साथ की है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो बिने हैं उन्होंने क्या किया है, बिने ने इंटेलिजेंस टेस्ट दिए हैं। ओके, तो जो प्याजे हैं इन्होंने अपनी स्टडी बिने के साथ की थी। प्याजेज आइडिया प्राइमरली नोन एज डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी। जो प्याजे का कॉन्सेप्ट था वो इससे पहले क्या कहा जाता था, सबसे पहले कि डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी कहा जाता था। अब जीन प्याजे ने अपनी रिसर्च में बताया कि जो बच्चे हैं वो बड़ों की तरह नहीं सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कि जो बच्चे हैं वो बड़ों की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इन्फेंट से जब एडल्ट की तरफ जाएंगे तो वो अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट होते हैं। इंटरेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के संपर्क में आना। ओके, तो चिल्ड्रन एक्टिवली वर्ल्ड के बारे में अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे एक समरी देख लेते हैं कि जो जीन प्याजे ने कहा कि जो एक बच्चा है वो एडल्ट की तरह बिल्कुल नहीं सोचता है। जो एडल्ट है उसकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है, किसमें? काइंड में और अमाउंट में, प्रकार में और उसका जो अमाउंट है उसमें। एक बच्चा है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग डिफरेंट वे में सोचता है। ठीक है, और जो नॉलेज वो गेन करता है उसमें उसके खुद की वो अंडरस्टैंडिंग बना लेता है। इस थ्योरी को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब यहाँ पे है ब्रेन से। ओके, यहाँ ब्रेन से है। अब देखिए, इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ फैक्टर्स दिए हैं, जो कि ये 4 फैक्टर्स हैं और हम इन फैक्टर्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा। अब स्कीमा देखते हैं हम क्या है। स्कीमा हमारे ब्रेन में स्मॉल बॉक्स होते हैं जिनमें इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा मल्टीपल सेल से बना है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है और वहाँ की जब वो पूरी कोशिकाएं एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। ओके, ये देख लेते हैं। स्कीमा हमारे ब्रेन में स्मॉल बॉक्स होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। सो दैट स्मॉल बॉक्स जो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर का मतलब यहाँ पे है किसी चीज़ को या ज्ञान को अर्जित करना और इसको स्टोर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्कीमा। ये देखिए, सपोज ये क्या है, एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है और हमारे ब्रेन के अंदर स्मॉल बॉक्स हैं
जिनका काम क्या है, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर करना, ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे, स्कीम्स कहलाते हैं। जीन प्याजे के इस कॉन्सेप्ट से पहले दूसरे फिलोसोफर का ये मानना था कि बड़ों के कंपैरिजन में जो बच्चे हैं वो क्या है, कम सोच पाते हैं। यहाँ पे क्या है, जीन प्याजे ने क्या कहा कि जो बच्चे हैं वो बड़ों की तरह नहीं सोचते, उनका सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। लेकिन इससे पहले जो बाकी के फिलोसोफर थे उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं वो बड़ों के कंपैरिजन में कम सोचते हैं या उनका ब्रेन कम डेवलप होता है। बट जीन प्याजे ने ये बताया कि जो बच्चे हैं वो बड़ों की तुलना में एक डिफरेंट तरीके से सोचते हैं या अलग वेज में सोचते हैं। प्याजे के अनुरूप बच्चे बहुत बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ पैदा होते हैं। जब कोई बेबी पैदा होता है तो उसका खुद का एक बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है, जहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन सेव रहती है। तो वो क्या है, वो उसे नेचर की तरफ से मिलता है और जेनेटिकली मिलता है। ये क्या, इसका बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर जिस पर उसकी लर्निंग बेस्ड होती है। जितना भी वो सीखेगा, कैसे सीखेगा, लर्निंग करके। जो लर्निंग होगी उसकी वो किसके थ्रू होगी, वो जैसा उसका बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर उसे मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम छोटे बच्चे को अगर डॉगी की इमेज दिखा देते हैं और ये कहते हैं कि ये एक डॉग है, तो ये बात उसके स्कीमा में सेव हो जाती है। और स्कीमा क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब हम देखते हैं डायग्राम। तो जैसे यहाँ पे ये है, ये पूरा एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन लेते हैं हम, ठीक है। जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर होगा चीज़ों की तरफ, वैसे वैसे हमें हर चीज़ से एक इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे यहाँ पे ये एक लैपटॉप है, ये सोफ़ा है, यहाँ ये बॉटल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे स्कीमा में सेव हो जाती हैं जाके, जैसे जैसे हम इन्हें वातावरण से अपने सीखते हैं। जानकारी को अपने पहले से प्रेजेंट स्कीमा में एडजस्ट करने को कहते हैं। जैसे क्या हुआ, हमने कोई चीज़ देखी जो हमने बुक में पढ़ी थी, हमने चाहे किसी फ्रूट की इमेज देखी या हमने किसी एनिमल की इमेज देखी, और जब हमने उसको देखने के बाद में हम रियल में जब उसे देखते हैं, सपोज़ हमने डॉगी को एक बच्चे को बुक में दिखा दिया कि इसका 4 लेग है, 1 टेल है, 2 ईयर हैं, ये क्या है, एक डॉगी है, और वो उसका जो एक फिगर है उसके ब्रेन में सेव हो गई। और जब बच्चा वो डॉगी को बाहर देखता है और वो देखता है कि इसके भी 4 लेग हैं, 2 ईयर हैं, 1 टेल है, और जब वो कंडीशन उसके पहले से प्रेजेंट स्कीमा में जो इन्फॉर्मेशन है जब उससे मैच करती है, तो वो क्या कर लेता है, उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेगा उसको, उस इन्फॉर्मेशन को। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन। ये देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे किसी बच्चे को बुक में दिखाया जाता है कि एक डॉग है, उसके 4 लेग्स हैं, 2 ईयर है और एक टेल है, और जब बच्चा पार्क में एक डॉगी को देखता है जो पहले से प्रेजेंट स्कीमा से समानता दिखाता है। यहाँ देखिए, पहले से जो प्रेजेंट स्कीमा है उससे सिमिलैरिटी होगी, जो इन्फॉर्मेशन उसने पहले ली है, और जब उसे रियल में या कहीं भी वो उस चीज़ को देखता है तो वो उसे पहले की इन्फॉर्मेशन से मैच करे, ठीक है, कि मुझे पहले से ये चीज़ पता थी और जो मेरी आंखों के सामने है वो मेरे ब्रेन में स्टोर स्कीमा से मैच करती है, तब इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, एसिमिलेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन स्टोर इन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले से उपस्थित, ओके। यहाँ पे क्या है, पहले से जो इन्फॉर्मेशन उपस्थित है वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये कंडीशन कब है, एसिमिलेशन में। हम देखेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो पूर्व में सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं से काम ना चलने पर उनके सामंजस्य के लिए की जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जब हमने कोई भी चीज़ अपने पूर्व में सीखी है और वो जो चीज़ सीखी हुई है और जो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं वो दोनों ही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी, एक एकोमोडेशन की, सामंजस्य की अवधारणा। जैसे एकोमोडेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन
इन वंस एनवायरमेंट एकोमोडेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे नई इंफॉर्मेशन को एनवायरमेंट से लिया जाता है एंड अल्टरिंग प्री एग्जिस्टिंग स्कीमास, और हम क्या करेंगे अपने पहले से प्रेजेंट स्कीमास में कुछ चेंजेस करेंगे के ताकि जो वो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी पहले से प्रेजेंट स्कीमा में फिट हो जाए। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ये कंडीशन तब होती है जब प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज मैच नहीं करती है। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि पहले से जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारी नई इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं करेगी और इसमें चेंजेस करना फिर क्या होगा, जरूरी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल आपको एक करवा देता है टीचर, ठीक, आप उसी के ही बेस पे जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आपसे उसका आंसर अगर नहीं आ रहा है तो क्या है, आप क्या एक उसको छोड़कर नेक्स्ट स्टेज पे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। सेम यही कंडीशन एकोमोडेशन में भी है कि हमने अपने एनवायरमेंट से कोई चीज़ सीख ली, ठीक है, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने सीखी थी उसके बाद जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ फिट नहीं हो रही है जो हमारे पहले से प्रेजेंट स्कीमा थी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पहले से उपस्थित स्कीमा है उसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे। अगर आपने कोई किसी फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिक कैलकुलेशन को सॉल्व किया, ठीक है, आपका आंसर जो है वहाँ पे उस टाइम पे आ गया, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही किया, ठीक है, आपको लगा कि ये सेम इसके ही जैसा है और आपने करने की कोशिश की, आपको आंसर नहीं मिला उसका, तो क्या करेंगे, आप अपने पहले से प्रेजेंट स्कीमा में थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे कि यहाँ पे जो ये फॉर्मूला था ये काम तो कर रहा था लेकिन इसके साथ में एक दूसरा फॉर्मूला और भी लगा है जिसकी वजह से आंसर आया है। तो आपने क्या किया, अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ चेंजेस कर लिए। हम यहाँ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को डॉगी के लिए पहले से प्रेजेंट एक स्कीमा है, ओके, हमने उसे दिखा दिया बुक में, उसके बाद जब वो चाइल्ड कैट को देखता है तो क्या कहेगा, जो कैट है वो भी डॉग है, यानी कि उसे लगेगा कि दोनों ही एनिमल बिल्कुल सिमिलर हैं, डॉग एंड कैट। लेकिन वो क्या करता है, जब वो देखता है कि जो कैट है वो म्याऊ करती है और डॉग जो है वो बार्क करता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसे अपने पहले से प्रेजेंट स्कीमा में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि जो नई इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे फिट हो जाए। और वो क्या चेंजेस करेगा कि जो फोर लेग एनिमल हैं वो सभी एनिमल डॉग नहीं होते हैं, डॉग के अलावा और भी एनिमल हैं जिनकी फोर लेग्स होती हैं, वन टेल होती है और उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। इक्विलिब्रेशन, साम्य की अवधारणा, यहाँ पे कोई भी चीज़ है जिसमें हमें कंफ्यूजन है और हम कंफ्यूजन से क्लियरेंस की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो देखते हैं, जीन प्याजे ने ये बताया कि कैसे बच्चे न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने संसार से अर्जित करते हैं। इन्होंने यही तो बताया कि जो बच्चा है अपने वातावरण से ज्यादा चीजों को सीखता है, ठीक है, अपने एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होगा उसमें क्या होगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, वो एनवायरमेंट से ज़्यादा नॉलेज को गेन करेगा और अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग बना लेगा, ठीक है, ये चीज़ ही कही जीन प्याजे ने। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रेशन का मतलब है कि हम जब एक स्टेज पे कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाते हैं, जैसे हम एक क्लास पास कर लेते हैं उसके बाद हम दूसरी एक उससे कठिन क्लास में चले जाते हैं, सेम ऐसे ही एक स्टेज से हम दूसरे स्टेज की तरफ मूव करते हैं अगर हमें कोई कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन से क्लियरेंस की तरफ। ओके, यहाँ पे सर्च फॉर इक्विलिब्रेशन, यहाँ क्या करेंगे, हम सर्च करते हैं इक्विलिब्रेशन का, साम्य का हम क्या करेंगे, सर्च करते हैं उसको। नोट, यहाँ देखिए, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी कि जो जैविक परिपक्वता है हमारी, उसके साथ साथ इक्विलिब्रेशन आने लगता है, जिसे आपने देखा होगा कि जैसे अभी बताया मैंने कि कैट और डॉग में जो कंफ्यूजन है ये एक उम्र पर ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा अपने एनवायरमेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट होगा और उसका जो ब्रेन है वो जितना डेवलप होगा उसके अंदर से ये सारी चीज़ें फिर हटने लगती हैं, जैसे जैसे वो बायोलॉजिकली मैच्योर होने लगता है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं,
स्कीमा। इसमें देखिए स्कीमा क्या है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उनका बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है जो क्या करता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, सेम एज कंप्यूटर। कंप्यूटर आप लोग सभी चलाते होंगे, ठीक है, आज लैपटॉप होते हैं, उसके अलावा हमारे पास मोबाइल फोन है, उसके अंदर मेमोरी होती है। तो ये सब क्या है, ऐसे समझिए कि ये सब एक स्कीमा है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी इनपुट देते हैं और उसके अंदर हम उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा ब्रेन है, हम अपने ब्रेन में क्या करते हैं इनपुट की फॉर्म में कैसे देंगे हम, जैसे हमें कोई चीज़ दिखा दी, एक छोटे बच्चे को हमने बुक दिखा दी, उसको चाहे अपने बाहर के वातावरण से कुछ सीखने को मिला, उसने सारी इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में सेव कर लिया उस बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो क्या सीखता है कि फोर लेग होंगे, हेयर होंगे, टू ईयर होंगे, वन टेल होगी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं और उसके ब्रेन में ये सेव हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें मैच जब वो कर जाएगी पूरी जो अभी प्रेजेंट स्कीमा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई फाइट नहीं होगी उसकी दो थॉट के बीच में। तो ये क्या कहलाता है, एसिमिलेशन या आत्मसात करना या आत्मसतीकरण, ओल्ड यहां पे और प्रेजेंट और न्यू। नेक्स्ट देखते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होगा, जो प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है वहां पे जब वो मैच नहीं करेगी, यानी कि जो ओल्ड है वो डोंट मैच, वो इंफॉर्मेशन जो न्यू इंफॉर्मेशन है दोनों से मैच नहीं करेगी, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, थोड़े से चेंजेस होंगे उसमें प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में। नेक्स्ट आ गया इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या है कि जब हम क्लियरेंस से कब जाएंगे, क्लियरेंस होगा जब हमारे अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी कि कंफ्यूजन से जब हम क्लियरेंस की तरफ जाएंगे तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाएगी इक्विलिब्रेशन, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जीन प्याजे की 4 स्टेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक, कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।